हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति। आप सभी का स्वागत है कीर्तिस रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो पैनकेक्स। इसे बनाना बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं पोटैटो पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। पोटैटो पैनकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 4 कच्चे आलू। तो इसे मैंने पील कर लिया है और अभी हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, तो अब हम सारे आलू को कद्दूकस कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कद्दूकस कर लेने हैं सारे आलू को। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे आलू कद्दूकस कर लिया है। अभी इसे हम पानी में डाल देते हैं। ठंडे पानी में डालना है ताकि आलू काला ना पड़े। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आलू को ठंडे पानी में डाल दिया है। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आलू को मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अभी हम इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आलू में से सारा पानी निकाल लिया है। अब डालेंगे यहाँ पर प्याज, एक बारीक कटा हुआ, जिसे मैंने पतले पतले काट लिए हैं लंबे आकार पर। एक हरी मिर्च, इसे मैंने बारीक काट लिया है। अब डालेंगे यहाँ पर 2 अंडे। अब जाएगा यहाँ पर एक चुटकी काली मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पर अंडे की जगह बेसन का भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अंडा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम डालेंगे यहाँ पर मैदा, थोड़ा थोड़ा कर कर हमें डालना है। मैदे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पैनकेक खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए जरूर बनाकर देखिए। टी टाइम के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर और थोड़ा मैदा लग जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 1 कप जितना मैदा पूरा लग चुका है और ये अच्छे से भी मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लगभग 1 चम्मच। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अभी इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है गर्म करने के लिए। अब डालेंगे यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल। देख सकते हैं यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। अब डालेंगे यहाँ पर पैनकेक। यहाँ पर मैं छोटे छोटे आकार में पैन में डाल देती हूँ पोटैटो पैनकेक्स। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे जरूर लाइक कर देना। तो इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से हम अल्टी पल्टी कर कर क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड सेक चुकी है। अभी इसे हम पलटी कर लेते हैं। कलर भी कितना बढ़िया आ चुका है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। साइड से भी हमने अच्छे से सेक लिया है और दोनों साइड से अच्छे से कलर भी आ चुका है। देख सकते हैं पोटैटो पैनकेक्स रेडी हो चुका है। अभी से हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पोटैटो पैनकेक निकाल लिया है प्लेट में। तो इसी तरह से हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।